और इंजन की बात करें तो भाई ऐसा लगता है ट्रैक्टर में इंजन है ही नहीं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कुबोटा जो है ना भाई, फोर वाल्व का जो है फीचर अपने ट्रैक्टर के अंदर देती है भाई, चार यानी कि। तो किसान भाई और राम राम भाई सभी को, मैं हूं दिनेश सिहाग और आप देख रहे हैं क्रेजी ट्रैक्टर्स। तो भाई आज आपके लिए एक बड़ा ही शानदार ट्रैक्टर लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले भाई इसके बारे में बात करें, उससे पहले आप जो है ना भाई, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर देना भाई, क्योंकि इसी तरह की वीडियोज़ लगातार आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी, तो आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें, हमारा सपोर्ट करते रहें, आपको इसी तरह के नए नए ट्रैक्टर, ज़बरदस्त ट्रैक्टर आपको लगातार इस चैनल पर दिखाते रहेंगे भाई। तो आज जो है ना आपके लिए जो ट्रैक्टर लेके आया ना भाई, ये है भाई जापानी टेक्नोलॉजी का जो है कुबोटा का ट्रैक्टर है भाई, 4501 भाई 45 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, और इसके अंदर जो फीचर है ना, तो आप देखते रह जाएंगे भाई, 45 एचपी कैटेगरी के अंदर इतने सारे फीचर और कोई कंपनी भाई नहीं दे पाएगी। और अगर कुबोटा के ट्रैक्टर की बात करें तो भाई वाइब्रेशन भाई बिल्कुल जीरो होता है इसके अंदर। तो अपने शुरू करते हैं इसको, सबसे पहले जो है ना इसका फ्रंट देखिए भाई, काफ़ी शानदार जो है ना इसका फ्रंट दिया गया है, बड़ा यूनिक सा लगेगा आपको, हेलोजन जो है लाइट्स के साथ आपको ये ट्रैक्टर देखने को मिलेगा। और उसके बाद में अगर इसके आगे के डिज़ाइन की बात करें तो भाई इसके अंदर देखिए आपको यहाँ पर बड़ी महीन जालियाँ दी गई है, जो कि हर तरफ आपको देखने को मिल जाएगी, यहाँ भी है, इस तरफ भी है, और यहाँ नीचे भी दी गई है भाई। तो इससे ना भाई वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा मिल जाता है ट्रैक्टर को, और चारों तरफ जो है ना काफ़ी शानदार जो है आपको इसके अंदर जालियाँ देखने को मिल जाएगी, जो काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन इससे ट्रैक्टर को मिल जाता है, जिससे कि आपका जो है ट्रैक्टर जो है गर्म नहीं होता भाई, और कूलिंग सिस्टम इसका जो है काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो अब इसका ना अपने फ्रंट एक्सल देखते हैं, तो काफ़ी शानदार इसका जो है ना फोर व्हील ड्राइव फ्रंट एक्सल आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा भाई, जो कि बेवल गियर के अंदर है। इसका फ़ायदा ये होता है भाई, और उसके साथ में आपको देखिए यहाँ पर प्लेंट्री गियर भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा, यानी कि मिक्स सा मिल जाएगा भाई आपको बेवल और प्लेंट्री गियर के अंदर, क्योंकि इसका फ़ायदा ये होता है भाई, अगर आप धान के खेत में अगर काम कर रहे हैं तो उससे जो है ना आपके ट्रैक्टर के अंदर जो फ्रंट एक्सल के अंदर पानी की जो समस्या आती है, कीचड़ चले जाने से जो है जंगाल लग जाता है, वो इसके अंदर नहीं होगा भाई। और स्टेयरिंग की अगर बात करें तो भाई ये आपको जो है ना डिवेलपिंग पावर स्टेयरिंग के साथ आपको देखने को मिलेगा, और उसके साथ ही आप देख सकते हैं ये यहाँ पर इसको ना बड़ी मोटी चादर से इसको जो है कवर कर दिया गया है, ठीक है, जिसकी वजह से जो आपका जो है ये पावर स्टेयरिंग काफ़ी सेफ रहता है। तो पावर स्टेयरिंग के सिलेंडर की काफ़ी सेफ्टी आपको देखने को मिलेगी, और उसके साथ ही भाई ग्रीस करने के लिए आपको यहाँ पर जो है एक अलग से फीचर मिल जाता है, देखिए हर जगह ग्रीस के पॉइंट आपको देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि आप जो है टाइम टाइम पर जो है इसका जो है देखभाल कर सकते हैं भाई। और बैजिंग की अगर बात करें तो भाई काफ़ी शानदार बैजिंग आपको देखने को मिलेगी, हर चीज़ आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगी भाई। तो अपने स्टार्ट करते हैं, पहले इसको खोल लेते हैं बोर्नेट को, पहले मैं आपको इसका इंजन दिखा देता हूँ भाई। तो पहले बोर्नेट को यहाँ से आप खोल सकते हैं, देखिए मैं इसको खींचूँगा नीचे, खींचते ही बड़ी आसानी से देखिए अपने आप ऑटोमेटिक ही खुल गया भाई। इसके अंदर भाई सिंगल पीस बोर्नेट आपको दिया है, और आपको यहाँ पर जो है ना एक सिलेंडर यहाँ पर मिल जाएगा, जो कि बोर्नेट खोलने में आपकी बड़ी जो है आसानी से आपको इससे आप खोल सकते हैं भाई। और इंजन की बात करें तो भाई ऐसा लगता है ट्रैक्टर में इंजन है ही नहीं, ठीक है, बड़ा छोटा सा इंजन है, जापानी टेक्नोलॉजी का इंजन है भाई, 45 हॉर्स पावर का इंजन है, आप देख सकते हैं, आपको लगेगा नहीं कि ये 45 एचपी का इंजन है भाई, बिल्कुल छोटा सा इंजन आपको इसके अंदर दिया हुआ है। और अगर फ्यूल पंप की बात करें ना, तो भाई आपको इसके अंदर जो है ना रोटर पंप आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, और सिलेंडर की बात करें तो भाई चार सिलेंडर आपको इस ट्रैक्टर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि भाई चार सिलेंडर का इंजन है, और लगेगा कि आपको इसके अंदर इंजन है ही नहीं। दूसरी तरफ से आपको दिखा देता हूँ, पंप देख लीजिए पहले, आपको इसके अंदर रोटर पंप आपको इसके अंदर दिया हुआ है भाई, और दूसरी तरफ से मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरफ से इंजन, ये देखिए भाई बिल्कुल कॉम्पैक्ट सा छोटा सा इंजन है भाई, बड़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी होती है जापान की। और ये भाई यहाँ पर इसकी सेल्फ लगी हुई है, तो छोटी सी सेल्फ लगी हुई है, इस तरफ अल्टरनेटर है, और जो ये आप देख सकते हैं ना, ये इसी का सबसे बड़ा कमाल है, इसकी वजह से जो है ना आपको जो है ट्रैक्टर की आवाज़ आपको बिल्कुल सुनाई नहीं देगी, बिल्कुल साइलेंट आवाज़ के साथ आपको ये ट्रैक्टर मिलता है भाई। तो अगर इसके अपने एयर क्लीनर की बात करें तो भाई ड्यूअल एलिमेंट वाला बड़ा एयर क्लीनर आपको देखने को मिलेगा भाई, और ड्राई टाइप का एयर क्लीनर आपको देखने को इस ट्रैक्टर के अंदर मिलेगा। और रेडिएटर की अगर बात करें तो भाई काफ़ी बड़ा रेडिएटर इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा भाई, और ये देखिए इसकी जो ना महीन जाली इसके आगे दी हुई है, ताकि कोई भी तरह का कचरा जो है ना रेडिएटर से जाने से पहले ही उसकी ना जो है रुकावट उसकी हो जाए, ताकि रेडिएटर को ज़्यादा नुकसान ना हो पाए। और यहाँ पर ये जो है भाई कूलेंट की जो है बोतल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी भाई। और अब अगर अपने इसका ऑपरेशनल एरिया देखते हैं, लेकिन उससे पहले अपने इसको बंद कर देते हैं भाई, ताकि अच्छा व्यू अपने को मिल जाए ट्रैक्टर के लिए, ठीक है। तो ऑपरेशनल एरिया देखें तो भाई सिंगल स्टेप के साथ आपको जो है इसका ऑपरेशनल एरिया देखने को मिलेगा, जो कि पूरी तरह से भाई इस मेट से आपको कवर्ड इसके अंदर देखने को मिलेगा भाई, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और ये देखिए भाई इस तरफ आपको जो है ना ये ट्रैक्टर मिलेगा भाई हाई लो के अंदर, और इसकी सीट भाई काफ़ी कम्फर्टेबल सीट होती है, मैं इसको थोड़ा सा झाड़ लेता हूँ क्योंकि मिट्टी इसके ऊपर पड़ी हुई है,
और बैठ के अपने बात करते हैं इसके बारे में। तो ये देखिए भाई, गियर की अगर बात करें ना भाई, तो आपको इसके अंदर सिंक्रोमैक्स गियर बॉक्स आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पर कुबोटा की बैचिंग के साथ आपको ना शटल शिफ्ट की बैचिंग आपको देखने को मिल जाएगी भाई। और ये देखिए भाई, यहाँ पर जो है ना इसका आपको फोर व्हील ड्राइव का लीवर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा भाई। और ये इसका जो है डिफरेंशियल लॉक आपको देखने को मिल जाएगा भाई। तो आप देख सकते हैं कुबोटा जो है ना भाई, फोर वाल्व का जो है फीचर अपने ट्रैक्टर के अंदर देती है भाई। चार यानी कि इसके अंदर पिस्टिक के ऊपर आप ये रिंग देख सकते हैं ना भाई, ये चार तरह के रिंग आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे भाई। उसके बाद में सिंक्रोमैक्स गियरबॉक्स मैंने आपको बता ही दिया, ड्यूअल पीटीओ इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा भाई। और आपके अंदर इसके अंदर आपको जो है डबल क्लच आपको इस ट्रैक्टर के अंदर देखने को मिलेगी। और अब अपने दोबारा से ऑपरेशनल एरिया पर चलते हैं। ये तो इसकी बैजिंग होगी चारों तरफ, और यहाँ पर भाई वारंटी भी आप देख लीजिए, 5 साल सुपर वारंटी आपको इस ट्रैक्टर के अंदर देखने को मिलेगी, जो कि पॉलिसी के हिसाब से भाई अलग अलग होती है अलग अलग कंपनियों की। तो फिर से मैं आ जाता हूँ भाई, आपको जो है सिंक्रोमैक्स गियर की अपने बात कर रहे थे। यहाँ पर जो हाइलो के अंदर आपको सिंक्रोमैक्स गियर देखने को मिलेगा, ये ट्रैक्टर भाई आपको 8 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स गियर के अंदर मिलेगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसके अंदर भाई रिवर्स गियर है ना, जो आपको हाइलो वाले लीवर के अंदर यहाँ दिया हुआ है, ये इसका रिवर्स गियर है, मैंने रिवर्स लगा दिया। अब ये इन चारों स्पीड के अंदर चलेगा भाई, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है इस ट्रैक्टर के अंदर दिया हुआ भाई। और अब अगर इसकी डैशबोर्ड की बात करें तो काफ़ी शानदार डैशबोर्ड आपको इस ट्रैक्टर के अंदर देखने को मिलेगा। मैं इसका स्विच लगा करके आपको दिखा देता हूँ भाई। ये देखिए भाई, काफ़ी शानदार जो है इंटरफेस आपको इस ट्रैक्टर के अंदर देखने को मिलेगा। और डैशबोर्ड आपको दिखा दिया, और इस तरफ आपको स्विचेस मिल जाएंगे जो कि लाइट इंडिकेटर वगैरह के लिए, हॉर्न वगैरह, पार्किंग का जो है ये सारा स्विच यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पर हॉर्न का स्विच आपको देखने को मिल जाएगा। ये इसका जो है हैंड एक्सीलेटर है भाई। और क्लच की बात करें तो भाई सस्पेंडन पेडल के साथ काफ़ी स्मूथ क्लच आपको इस ट्रैक्टर के अंदर देखने को मिलेगी। और ब्रेक्स की अगर बात करें तो भाई आपको जो है ना यहाँ पर ऑयल इमर्स डिस्क ब्रेक आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है भाई। और यहाँ पर इसका ना काफ़ी अच्छा शानदार एक्सीलेटर आपको, पैर वाला एक्सीलेटर देखने को मिलेगा, जो कि ये देखिए यहाँ से सीधी है ना, जो पंप के अंदर जाती है भाई, रोटर पंप के अंदर जा करके ये मिलेगी भाई। और ये भाई इसका जो है ड्राइविंग लुक है भाई, काफ़ी शानदार छोटा सा ट्रैक्टर है भाई, 45 HP के, लंबाई काफ़ी कम है ट्रैक्टर की, जिससे कि जो है ना आगे से उठने की समस्या भाई काफ़ी कम हो जाती है ट्रैक्टर, ठीक है। तो भाई अपने अब इसको स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करके जो है ना इसकी अपने देख लेते हैं भाई जो आवाज़ कैसी है ट्रैक्टर की, अपने स्टार्ट करके देख लेते हैं। तो मैं इसको जो है सेल्फ लगाता हूँ भाई। ये देखिए काफ़ी शानदार ज़बरदस्त आवाज़ है भाई ट्रैक्टर की, पता ही नहीं लग रहा है ट्रैक्टर पर बैठे हैं। अब मैं इसके ना RPM बढ़ाता हूँ, फिर देखना आप, ठीक है। तो काफ़ी शानदार जो है ना RPM देखते हैं आपने इसकी, काफ़ी शानदार आवाज़ है भाई ट्रैक्टर की, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप ट्रैक्टर पे हैं। और मैं इंजन खोल करके, बोनेट खोल करके आपको इसका इंजन दिखा देता हूँ, इंजन के पास जाकर के इसकी आवाज़ सुनाता हूँ भाई। ये देखिए बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि आपने ना जीप का इंजन जो है इसके अंदर देखे हैं, काफ़ी शानदार आवाज़ है भाई ट्रैक्टर की। तो अब मैं इसको ना बंद कर देता हूँ ट्रैक्टर को, क्योंकि यहीं से जो है बंद हो जाएगा भाई। ये देखिए बिल्कुल चाबी से ही ये ट्रैक्टर बंद हो जाता है भाई, आपको किसी तरह का चोक खींचने की इसके अंदर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सीट की बात करें तो भाई काफ़ी कंफर्टेबल सीट है, जो कि आगे पीछे एडजस्ट हो जाती है, एडजस्टेबल सीट है। और यहाँ पर जो है ना लिफ्ट के जो है कंट्रोल्स दिए हुए हैं, आप स्पीड लॉक वगैरह जो है लिफ्ट के दिए हुए हैं। और ये यहाँ पर जो है इसका डिफरेंशियल लॉक आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है भाई इस ट्रैक्टर के अंदर। और अपने पीछे चलते हैं, एक चीज़ मैं भूल गया आपको दिखाने के लिए भाई, ये देखिए ये यहाँ पर जो है ना इसकी इंडिपेंडेंट PTO क्लच आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, और उस तरफ गियर्स दिए गए हैं, और ये लिफ्ट के लीवर है जो कि सीट के बिल्कुल पास आपको देखने को मिल जाएंगे भाई। अब अपने पीछे चलते हैं, पीछे का हिस्सा अपने देख लेते हैं ट्रैक्टर का। तो भाई ये इसका पीछे का हिस्सा है, आप देख सकते हैं प्लेंटरी गियर के साथ काफ़ी खुला और बड़ा हिस्सा आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा भाई। और लिफ्ट कैपेसिटी की बात करें तो भाई काफ़ी हैवी लिंकेज के साथ आपको जो है इसकी लिफ्ट देखने को मिलेगी, और लगभग 1650 kg के आसपास की जो है लिफ्ट कैपेसिटी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको जो है देख सकते हैं ये होल्डर मिल जाता है, जो कि पीछे जो आपको है पावर देखने के लिए है। और टॉपलिंक जो है पॉइंट्स की बात करें तो 3 टॉपलिंक पॉइंट्स के साथ आपको ये ट्रैक्टर देखने को मिलेगा भाई। और अगर इसके PTO की बात करें ना तो भाई ये जगह भी 45 HP का ट्रैक्टर है, और 39 HP के आसपास का इसका PTO आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और ये देखिए भाई यहाँ पर जो है ना सपोर्ट दी गई है, काफ़ी अच्छी सपोर्ट है भाई, काफ़ी हैवी जो है इसके फेंडर आपको देखने को मिल जाएंगे। ये पीछे की लाइट दी है, और इंडिकेटर आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार तरीके से पोर्ट किए गए हैं भाई। और ये देखिए भाई आपको यहाँ पर इसका टूल मिल जाएगा, जो कि फ़िलहाल इसके ऊपर जो है ना कंपनी की सील लगी हुई है, इसको खोल के नहीं दिखा सकता मैं आपको। और अगर पीछे के टायर्स की अगर बात करें ना तो भाई आपको 1428 के पीछे के टायर देखने को मिल जाएंगे, और आगे के टायर्स की बात करें तो भाई तो 8320 के जो है आगे के बड़े फोर व्हील ड्राइव वाले टायर आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे भाई।
तो वारंटी की बात मैंने आपको बताई थी, 5 साल की वारंटी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। अगर प्राइस की बात करें ना भाई, तो मैं आपको प्राइस जो है बता दूंगा, आप मुझे कमेंट करके पूछना, अपना एरिया का नाम बताना, उसके हिसाब से मैं आपको जो है इसके प्राइस बताऊंगा भाई, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग प्राइस होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर इसकी जो है प्राइस आपको नहीं बता रहा हूँ भाई। भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, तो इसी तरह से भाई आप जो है हमारा सपोर्ट करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो लगातार आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।